उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। हाथरस में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एक रैली निकाली गई। रैली के जरिए संचारी रोगों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया गया। रैली का उद्घाटन हाथरस नगर पालिका परिषद हाथरस की अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया। जो रैली निकाली गई है, किस उद्देश्य से निकाली गई है? आज देखिए, संचारी रोग को भगाना है, स्वस्थ व्यवहार अपनाना है। इसके तहत 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग से संबंधित कार्यक्रम चलेंगे। आज उसकी रैली का हम लोगों ने शुभारंभ किया। मेरे साथ में हमारे यूनिसेफ से DMC अमृतांशु जी के साथ मिलकर और समस्त हमारे CMO साहब प्रदीप रावत जी, पवन जी, सभी लोगों के साथ मिलकर हमारे नगर पालिका की पूरी टीम, हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर मुशाहिद खान जी हमारे साथ रहे, हमारे IT सेल के अविनाश जी हमारे साथ रहे, सभी लोगों ने मिलकर बच्चों की जनपदीय रैली को यहाँ से शुभारंभ किया। भाई साहब का विशेष योगदान रहा उसको आगे बढ़ाने में। वॉकिंग करते हुए ई रिक्शा के तहत हम लोग माइक के द्वारा लोगों में जो जागरूकता पैदा होनी चाहिए उसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारी मिलकर सभी बहनों ने यहाँ पर रैली का आयोजन हुआ, जिसमें हम लोगों ने उनको हरी झंडी दी और लोगों को अवेयर किया। संचारी रोग अभियान करें, साल में 3 बार जी संचार के माध्यम से जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें रोकने के लिए, उन्हें बिल्कुल खत्म करने के लिए इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी और आज सभी जिलों में ये कार्यक्रम, ये अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज 1 अक्टूबर से आज रैली निकाल के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और पूरे महीने हर जगह जहां गंदगी है उसकी सफाई, नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई, फिर फॉगिंग, एंटी लार्वा की छिड़काव नालियों में, इस तरह के कार्यक्रम तो होंगे ही। लोगों को अवेयर भी किया जाएगा और स्कूल में हर जगह बच्चों को भी अवेयर किया जाएगा कि फूल माँ का शर्ट पहने और उन मच्छरों से बचे जो जानलेवा हो जाती है, डेंगू जैसे बीमारियों से हम उनको बचा सकते हैं। तो ये कार्यक्रम आप हम पूरे हाथरस के सारे जनता के साथ उनके सहयोग से ये कार्यक्रम होता है, उनका सहयोग मिला गया तो यहाँ पे पहले भी कोई डेंगू से बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई है और मुझे आशा है कि आगे भी आने वाले समय में हम डेंगू से अपने शहर को बचाएंगे। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केवल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।